सर मैं भी संग्राम भाई के जैसे पहले कुश्ती करता था। ओके करीब 15 इयर्स का था उसी टाइम, 15 नहीं 12 इयर्स का था उसी टाइम मैं कुश्ती शुरू किया था। ओके और मेरे जो बड़े लोग थे वे भी गेम में बहुत इंटरेस्ट थे, तो उसी वजह से मैं कुश्ती शुरू किया। हमारे गांव में उतनी फैसिलिटी नहीं थी, मैं कम से कम भी 5-6 साल तक कुश्ती किया। ओके तो फिर उसके बाद मैं नजदीक सिटी पड़ता है मेरठ, तो वहां ओके पे जाना शुरू किया। लेकिन काफी दूर था, डेली आना जाना और प्रैक्टिस मुश्किल था। तो उसका वजह से फिर मेरा भाई बॉडी बिल्डर है, वो भी इंडियन आर्मी में है, ओके तो फिर मैं उसको देख के, वो उसका अच्छा फिजिक है, उसको देख के सभी लोग देखते थे, मुझे भी अच्छा लगता था, तो मैं भी सोचा अपने भाई के जैसा कुछ बनूं। बिल्कुल उसको सभी देखते हैं, मुझे भी देखना बिल्कुल चाहिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल तो फिर भाई मुझको थोड़ा थोड़ा गाइड करने लग गया। आर्मी आ गया सर, क्योंकि मेरा फादर भी आर्मी में थे, फिर ओके ब्रदर आर्मी में हुआ, तो फिर मुझे लगा कि पैसे वाले इतने नहीं थे, मुझे लगा कि सबसे पहले अगर मुझे अपना करियर बनाना है तो सबसे पहले मुझे जॉब की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर इसलिए मुझे पता चला कि वहां पे बैंगलोर मद्रास इंजीनियर में उधर वैकेंसी है बॉडी बिल्डर्स की, तो मैं उस टाइम उधर गया। बिल्कुल उससे पहले मैं कोई भी कंपटीशन नहीं खेला था। मुझे स्ट्रक्चर का वजह से ही हमारे जो आर्मी के कोच है उन्होंने सेलेक्ट किया। ओके मैं वहां पे कुश्ती का भी ट्रायल दिया था। ओके मेरे पास दो ऑप्शन थे, कुश्ती का ट्रायल दिया फिर बॉडी बिल्डिंग का ट्रायल दिया। तो फिर बॉडी बिल्डिंग में मुझे स्ट्रक्चर देख के भर्ती कर लिया। फिर उसके बाद मेरी वहां से लाइफ की अच्छी शुरुआत हुई। फिर मैं 2010 में सबसे पहले सर्विसेज आर्मी टीम से एशिया सिलेक्शन ट्रायल में ओके सिलेक्शन नहीं हुआ, पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल तो फिर उसके बाद मैं 2 साल में ट्रेनिंग चल रहा था, उस टाइम पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। फिर 2012 में मैं सप्लीमेंट शुरू किया था, फर्स्ट टाइम सप्लीमेंट लिया था 2012 में, जॉब लगने के 2 साल के बाद। बिल्कुल तो उस टाइम फिर सप्लीमेंट शुरू किया। 2012 में मैं मिस्टर कर्नाटका और छोटे कंपटीशन खेला, पहले मिस्टर कर्नाटका और मिस्टर बिल्कुल बैंगलोर, बिल्कुल बिल्कुल और नेशनल में 4th पोजीशन आई मेरी। वेरी नाइस तो उसके बाद फिर 2014 में एक बार ब्रॉन्ज मेडल आया, जो कि औरंगाबाद में हुआ था कंपटीशन। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स हुआ मुझको। ओ गॉड हाँ हाँ, उसके बाद तो फिर काफी अच्छी परफॉर्मेंस शुरू होगी। 2018 में आर्मी का ओवरऑल टाइटल और सर्विसेज ओवरऑल सर्विसेज टाइटल दोनों, और फिर नेशनल, नेशनल में मोस्ट इम्प्रूवमेंट बॉडी बिल्डर और मिस्टर इंडिया अपने वेट में, फिर 19 में भी मिस्टर इंडिया और रनर अप। वेरी गुड वेरी तो गुड उधर आर्मी ज्वाइन करने के बाद में मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी, एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म मिला करने के लिए। और जैसे कि बॉडी बिल्डिंग को रेस्ट की और डाइट की और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, वही एक हमको उधर करने को मिलता है।